वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी फॉर फिल्म्स। और भाई कैसे आप लोग? यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 नई फिल्मों के बारे में जिन्हें रिसेंटली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। और ये सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा औसम है, तो अगर आप एक भी अच्छी मूवी की जानकारी मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किस नंबर पर किस मूवी को रखा है, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मूवी को ढूंढने में। तो चलिए आप ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो के इस काउंटडाउन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसी तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत। नंबर 1 पर है साल 2020 में रिलीज एक बेस्ट एक्शन थ्रिलर ड्रामा वाली मूवी जिसका नाम है असुरा गुरु, और इसे हिंदी लैंग्वेज में भी इसी नाम से रिलीज किया गया है। इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे विक्रम प्रभु, मेहमान एम्बियर, योगी बाबू और सुब्बा राजू के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें अगर मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है बहुत चालाक चोर से जो चोरी करने के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज करता है। लेकिन मूवी की स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक प्राइवेट डिटेक्टिव उस चोर को पकड़ने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है यह आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। गाइस इस मूवी को रिसेंटली यूट्यूब के मूवी रजिस्ट्रेशन चैनल पर हिंदी में अपलोड की गई है, तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा। हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है राजू कन्नड़ मीडियम। इस मूवी को साल 2018 में रिलीज किया गया था। यह एक कन्नड़ लैंग्वेज की रोमांस कॉमेडी वाली मूवी है जिसे हिंदी लैंग्वेज में सेम नाम से डब किया गया है। मूवी के स्टार कास्ट में आपको गुरु नंदन, अविंतिका सेट्टी, किच्चा सुदीप और आशिका रंगनाथ के साथ साथ और भी कई स्टार देखने को मिलेंगे। गाइस ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मूवी को IMDB की तरफ से एक बेस्ट रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10 की, और वहीं 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। बात करें अगर मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टोरी राजू नाम के एक गांव के लड़के से शुरू होती है जो जॉब की तलाश में अपने गांव से बेंगलुरु जाता है, और वहां पर उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब वह एक बिजनेसमैन दीपक से मिलता है, और आगे क्या होता है यह जानने के लिए यह आपको मूवी में खुद देखना चाहिए। गाइस यह मूवी यूट्यूब के अनऑफिशियल चैनल पर हिंदी में अपलोड है जिसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग जल्दी से इस मूवी को वॉच कर लीजिए क्योंकि इसे भी किसी भी टाइम यूट्यूब पर से डिलीट किया जा सकता है। हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है लक्ष्मी। गाइस ये एक तमिल लैंग्वेज की बेस्ट डांस ड्रामा वाली मूवी है जिसे हिंदी लैंग्वेज में नाच लकी नाच के नाम से डब किया गया है। गाइस मूवी को IMDB की तरफ से एक अच्छी रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10 की, और वहीं साथ ही साथ 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। बात करें अगर मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको प्रभु देवा, ऐश्वर्या राजेश, दित्या भांडे और सलमान यूसुफ खान के साथ साथ और भी कई स्टार देखने को मिलेंगे। गाइस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है लक्ष्मी नाम की एक लड़की से, जिसका सपना है नेशनल लेवल डांस कंपटीशन को जीतना, मगर लक्ष्मी की माँ डांस से बहुत ज्यादा नफरत करती है और उसे डांस नहीं करने देती है। लेकिन मूवी की स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब लक्ष्मी एक कैफ ओनर से मिल, और फिर इसके बाद क्या होता है यह आप मूवी में देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 4 पर है साल 2006 में रिलीज है एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर ड्रामा वाली मूवी जिसका नाम है थ्रेटू पायले, जिसे हिंदी लैंग्वेज में द डिजिटल थीफ 2 के नाम से डब किया गया है। गाइस मूवी को IMDB की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और वहीं साथ ही साथ 80% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में आपको नजर आएंगे जीवन, मालविका और सोनिया अग्रवाल के साथ साथ और भी कई स्टार। गाइस बात करें अगर मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टोरी एक सातिर दिमाग वाले आदमी से शुरू होती है जो एक अमीर शादीशुदा औरत और उसके प्रेमी के बीच चल रहे अफेयर की वीडियो बना लेता है, और फिर उस औरत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। लेकिन मूवी की स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब वो औरत उससे बचने की कोशिश करने लगती है, और फिर उसके बाद क्या होता है यह आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी यूट्यूब के अनऑफिशियल चैनल पर हिंदी में अपलोड की गई है जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से आप लोग इस मूवी को वॉच कर लीजिए क्योंकि इसे किसी भी टाइम यूट्यूब पर से रिमूव कर दिया जाएगा। लिस्ट
केड़ी बिल्ला खिलाड़ी रंगा गाइस इस मूवी को रिलीज किया गया था साल 2013 में। यह तमिल लैंग्वेज की कॉमेडी रोमांस वाली मूवी है जिसे हिंदी लैंग्वेज में सबसे बड़ा 02 के नाम से डब किया गया है। मूवी की स्टार कास्ट में आपको श्रीकार्तिकेयन, विमल, रजीना कैसेंड्रा और बिंदु माधवी के साथ साथ और भी कई स्टार देखने को मिलेंगे। गाइस मूवी को IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और वह साथ ही साथ 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। बात करें अगर मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की स्टोरी दो दोस्त केशवन और मुरुगन से शुरू होती है जिनका मकसद है एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स बनना, जिसके लिए वे दोनों अपने अजीबोगरीब तरीके से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है जब कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, यह जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। गाइस मूवी काफी ज्यादा मजेदार है, अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना। इस मूवी को रिसेंटली गोलमेंस टेलीफिल्म के यूट्यूब चैनल पर हिंदी में अपलोड किया गया है जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।